गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं सांगला में हूँ एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। धूप निकल आई है अच्छी सी और मैंने सोचा थोड़ी मॉर्निंग वॉक ले ली जाए। अब रूम में बैठे बैठे मज़ा नहीं आता है ना, थोड़े बाहर का नज़ारा जहाँ हूँ वहाँ बाहर का नज़ारा देखना तो चाहिए ना। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा देखती हूँ आसपास, थोड़ा एक्सप्लोर करके। सुबह का बेस्ट टाइम होता है ना एक्सप्लोर करने के लिए। ये नेगीज कॉटेज में मैं रह रही हूँ, यहाँ सांगला में, सांगला वैली में। ये लोग तो राजमा तक उगाते हैं, सब्जियां कभी बाहर से लाते ही नहीं है, सब उगाते हैं यहाँ पर। जमीन यहाँ बहुत अच्छी है। पुदीने के पत्ते का साइज देखिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा, शहरों में जो हम लोग देखते हैं ना उसका 4 गुना बड़ा साइज है। ये देखिए यहाँ भी भरे हैं। पहाड़, पर्वत और जिधर देखो वहां सेब। ये देखिए पेड़ों में सेब भरे पड़े हैं। ये एप्पल के बगीचे हैं, नीचे भी भरे हैं पूरे। ये देखिए पूरा एप्पल का गार्डन है। ये देखिए गिरा हुआ है एप्पल, मजा आ गया है ना। ऐसे मैं पहले आई थी हिमाचल, बट एप्पल सीजन में नहीं आई थी तो मैंने इस तरह देखा नहीं था कभी। इस बार आके देखा कि फुल सीजन में है, अभी पिकिंग चल रही है। ये सब एप्पल के बगीचे हैं पूरा। अच्छा बीच में नाशपाती भी है, मैं देखती हूँ जूम हो सकता है कि नहीं। आपको धूप पड़ रही है ना, पता नहीं चलेगा, इसमें नाशपाती भी है। तो ये है सुबह का नजारा, अर्ली मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर है। मुझे अचानक से डेट याद आ गया, आज हम लोग का 5वां दिन है हिमाचल में। यहाँ से एक रोड ऊपर है जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं और एक ये कच्चा रोड है। ये हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कुप्पा सांगला, समुद्र तल से 2590 मीटर। अच्छा, लकड़ियों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये विंटर की तैयारी है कि बर्फ़ पड़ने वाली होगी ना कुछ दिनों के बाद, तो अभी से शायद स्टॉक करके रखते होंगे। ये आसपास के पहाड़, ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं है यहाँ। ये और एक टिपिकल घर यहाँ पत्थर वत्थर से लगा हुआ है, लेकिन नीचे कुछ टिन का भी मेरे को कंस्ट्रक्शन दिख रहा है और वही वुडन स्ट्रक्चर और बीच में पत्थर से बनाया हुआ है, नीचे तक गया है। ये लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लकड़ी और पत्थर। देखिए ऊपर पत्थर है, नीचे लकड़ी से ये किया हुआ है। यहाँ सभी घरों में ना कंस्ट्रक्शन इसी तरह का, मेनली इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है। और चारों तरफ बगीचे एप्पल के। इतने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ सुबह सुबह, एकदम कोई बादल नहीं, नीले आकाश, एकदम नीला आकाश। और यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, पता नहीं ये शायद वही कृषि विश्वविद्यालय हो, शायद आइडिया नहीं है मुझे, दिख तो रहे हैं कुछ। और ये पूरे एप्पल के बगीचे और हर पेड़ में एप्पल्स लदे हुए हैं, इनकी पिकिंग अभी शुरू नहीं की। हम लोग जब शिमला से आ रहे थे तो फागू एरिया में जितने भी एप्पल के बगीचे थे ना उनमें वो वाइट वाले नेट्स लगे हुए थे, लेकिन सांगला एरिया में मैं देख रही हूँ कि नेट्स कहीं भी नहीं है, खुले हैं सब। वहाँ शायद वो पानी से और हेल स्टॉर्म से बचाने के लिए शायद नेट्स लगाए होंगे, लेकिन यहाँ शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो कुछ खास पूछने लायक कोई मिल नहीं रहा। ये देखिए इनको कितना पीठ में कितना लेके चलते हैं बाहर और आराम से जाते हैं। यहाँ क्या होता है एप्पल की, ये होती है क्या पैकिंग होती है, पैक कर रहे हैं ना। हाँ अभी कर रहे हैं क्या। अच्छा, किन्नौरी एप्पल, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एप्पल्स, देखिए लिखा हुआ है किन्नौरी एप्पल्स। देखती हूँ कोई मिलता है कि नहीं। गाने वाने तो चल रहे हैं। आपका नाम बताइए ना। हमारा नाम लाल बाबू सोहनी नाम हुआ। हाँ, हाँ, आपके यहाँ बगीचे हैं अपने? नहीं, पैकिंग करने के लिए आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बिहार, पटना से। अच्छा बिहार से है, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, तो अगल बगल हो गए ना। आप साइड में सर, तब बताइए।
पटना से प्रॉपर पटना से आए हैं जी ना, उसके बगल में थोड़ा गंगा पार, गंगा पार करके हाँ हाजीपुर। अरे मैं गई हूँ हाजीपुर, हाजीपुर का मेला मैं गई हूँ, हाजीपुर का किराया मेरा घर से हाजीपुर का। मैं हाजीपुर मेला में गई हूँ, मैं जो बड़ा सा मेला लगता है सोनपुर। हाँ हाँ, अरे तब तो आप लोग पड़ोसी निकले, तो मुझे दिखाइए, आप लोग भी बिहार से ही हैं? सभी 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 बिहार से यहाँ आए हैं? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र। राजेंद्र, तो मुझे जरा देखना था पैकिंग कैसे करते हैं। शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, पैकिंग हो गई है एप्पल की। हाँ, ये सब पिकिंग करके रखा है, जस्ट बॉक्स में डालना है। ये जैसे ये माल बाहर से खरीद के आया है। हाँ हाँ, तो उसका छोटा गिफ्ट में भरना है। अच्छा, ये इस बॉक्स में भरना है? जी नहीं, छोटा बॉक्स में। अच्छा अच्छा, वहाँ भरा हुआ है ना, वो भराएगा इसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसको लेके कहाँ जाएंगे? इसके सप्लाई होगा, सप्लाई होगा झारखंड, मध्य प्रदेश से जहाँ जाना होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ जाना। 50 दाना इसमें भरा रहेगा। 50 दाना जी। अच्छा अच्छा, ये छोटा में 50 दाना होता है। अच्छा अच्छा, लेके मतलब नाम नहीं मालूम ना एप्पल का, वैरायटी का नाम नहीं मालूम ना। रॉयल रॉयल रॉयल। अच्छा अच्छा, ये रॉयल हुआ। छह वैरायटी इसमें से क्या देख के भरता है? साइज के ऊपर है। अच्छा अच्छा, रंग रंग के ऊपर भी होता है क्या? ये गोल्डन हुआ ना, ये गोल्डन है। हाँ हाँ, ये ज्यादा मीठा होता है कि वो ज्यादा मीठा होता है? ये भी मीठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है। वहाँ पे मशीन लगी है या ग्रेड होगा? अच्छा अच्छा, मशीन में। अच्छा, मशीन में ग्रेडिंग होगी? मशीन नहीं देखे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, मशीन नहीं देखे। देखे तो खुलो, देख लो। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग होती है, इसमें डाल देते हैं और यहाँ से अलग होके वहाँ ग्रेडिंग हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, ये एप्पल की पैकिंग हो रही है। ग्रेडिंग पहले ही हो चुकी है एंड इस तरह से पैकिंग होती है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये रॉयल एप्पल्स की नौरी, और मैं गोल्डन एप्पल खाते खाते देख रही हूँ, क्या मज़ा है बताइए। मेरा ब्रेकफास्ट एप्पल से हो रहा है, फ्रेश फ्रॉम द गार्डन, एकदम पेड़ से तोड़ के, वेरी जूसी एंड वेरी क्रंची। ये एक पेटी में कितने आ जाएंगे? 50 दाना। अच्छा, और बड़े होने से कितने दाने? 40। ये 40 दाना? हाँ 40। ये देखो, हाँ हाँ, इसको निकाल देना है। अच्छा, बिल्कुल तो नहीं लगाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कैसे हो गया। हाँ हाँ, आप लोगे तो कहोगे ये ऐसा से भाई साहब। हाँ, हम लोग कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं लोकल लोकल बाजार में? ये भी बनेगा। अच्छा, उसका अलग बनेगा। अरे वाह, बढ़िया। हो गया। अच्छा, 2 लगाते हैं, है ना? यहाँ से भी लगेगा ना? तो फ्रेंड्स देखिए, एक पैकेट तैयार हो गया, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एप्पल किन्नौरी रॉयल। दोलाराम जी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ कहाँ जाते हैं एप्पल सबके? बस यहीं करसोग क्षेत्र आए हुए। अच्छा अच्छा, दिल्ली वगैरह नहीं पहुँचते ये एप्पल? पहुँचे हो जी, काफी जाते हैं। ये रिचर्ड है दोस्तों, इसको रिचर्ड कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिए इसमें अभी डल चुके हैं सेब, अभी इसमें सॉर्टिंग होगी। तो ये वैरायटी तो एक ही है ना? मतलब साइज के अनुसार अलग अलग हो जाएंगे? और उसमें क्वालिटी की भी अलग से कर देंगे क्या? कोई अगर ख़राब है तो वो अलग हो जाते हैं? अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ब्रश भी हो जाता है ना, साफ भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो चमक आ जाती है ना? हाँ अच्छा, वहाँ से फिर आ रही है। ओके ओके, हाँ ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए छठ के बाहर आ जा रही है। ये वाले बहुत अच्छे नहीं है क्या? है तो एरिया से छोटा है, छोटा बड़ा आगे जाएगा, बड़ा आगे जाएगा, वो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखिए बड़े वाले इधर आ रहे हैं, ज़्यादा इसी में आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा होगा तो जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 5 छः तरह की ग्रेडिंग है ना? 6 ग्रेडिंग। ये तो भर गया आपका सेकंड वाला, भर गया बड़े वाले, इसमें बहुत कम है ना? हाँ हाँ, इसमें 4-5 है, इसमें भी इतना ही है। चलिए, इसमें एक भी नहीं है। हाँ, इसमें आए हैं 2। अरे वाह, दिखाइए तो साइज कितने बड़े हैं। हाँ, ये 2 आए, ये टॉप क्वालिटी है। हाँ, टॉप क्वालिटी। वाह वाह वाह, तो ये टूट गया था या बना रहे हैं? ऊंचा बना रहे हैं। अच्छा, और छोटे पत्थरों का क्या करते हैं? बीच में डाल देते हैं। हाँ वही तो, बहुत जगह, सब जगह मैं यही देख रही हूँ, पत्थर का ही बना हुआ है सब। सीमेंट वीमेंट की जरूरत ही नहीं है ना? ये कैसे लगा रहे हैं? ऐसे बीच में घुसा दे रहे हैं। ये जो ये टेढ़ा है उसको क्या करेंगे? ये जो इसको हटा देंगे, उसी साइज का ढूंढेंगे, है ना?
अच्छा इसको ऐसे फंसा दिया बीच में, अच्छा ऐसे साइज करके फंसा दिया। यहाँ जो गड्ढा है ये वाला वहाँ भी डालना है ना, कहीं मतलब खाली जगह नहीं रहना, यहाँ भी डालेंगे ये जगह। अच्छा सब जगह मंदिरों में सब जगह तो यही पत्थर से बनते हैं ना, ऐसे ही लगा देते हैं। आप लोग यहीं के हैं ना? कहाँ के हैं? नेपाल से आए हैं? ओ सभी नेपाल कहाँ? ये देखिए कितने सुंदर लटक रहे हैं, मजा आ गया। अभी धूप पड़ रही है और अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए ये पीछे पहाड़ियाँ, कितनी सुंदर जगह रहते हैं।